शब्दं मन्त्रं रुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मुदमंगलमय संसमाज सत्संग सरिता में पधारे हुए संतगण भक्तजन एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, दर्शन को तो संत है, लेने को गुरु नाम, तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, दर्शन को तो संत है, हम लोगों का जो जीवन है, अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं और उस प्रश्न का समाधान हम चाहते हैं। और इस साखी में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, दर्शन को तो संत है, अगर आपको दर्शन करने की इच्छा है तो संतों का दर्शन करो। प्रश्न होता है कि संतों के दर्शन करने से क्या लाभ होता है, आखिर हम संत का दर्शन क्यों करें? यह स्वाभाविक प्रश्न होता है। एक बार की बात है, आप जानते हैं नारद की कहानी। एक समय वे टहलते टहलते भगवान विष्णु के दरबार में पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु से नारद मुनि कहते हैं, भगवान मेरे मन में एक प्रश्न है और उसका मैं समाधान चाहता हूँ, बताएं। तो कहते हैं नारद, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो बेहिचक पूछ लो। तब कहते हैं कि नारद भगवान कि भगवान मेरे मन में एक प्रश्न है, संतों के दर्शन करने से क्या लाभ है। कहते हैं कि इस प्रश्न को सुनकर उनसे कहते हैं कि अमुक गांव में एक नगरवधू रहती है, वहां तुम जाओ और उनसे तुम पूछना कि संतों के दर्शन करने से क्या लाभ हो। और भगवान विष्णु की बात सुनकर उस गांव में गए नारद मुनि और उनसे जाकर नगरवधू से वे प्रश्न करते हैं कि संतों के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। ऐसा कहते हैं, जब इस प्रश्न को वह सुनती है तो उनका प्राणांत हो जाता है। जब इस दृश्य को भगवान नारद देखते हैं तो उसे चिंता होती है कि कहीं कोई आदमी देख लेगा तो तब तो हमारी खैरियत नहीं है। वह आंख बचाकर चले जाते हैं या उस जगह से पलायन कर जाते हैं। और इस बात को जब देखे तो भगवान विष्णु के पास वह दौड़े दौड़े आए कि भगवान, मैं जो प्रश्न किया था आपने बताया अमुक जगह आप जाइए और उसमें एक नगरवधू रहती है, तो मैं उनसे प्रश्न किया तो मर गई, कहीं कोई आदमी देखा नहीं, नहीं तो हमारी खैरियत नहीं है। तब भगवान कहते हैं कि अमुक जंगल में
तुम जा, वहां एक बछड़ा जन्म लिया है, वहां जा और उनसे पूछना। कहते हैं कि भगवान एक बार गया तो वहां से कैसे बच के निकला हूं मैं ही जानता हूं। कहते हैं नहीं तुम जा। तब उनकी बात को सुनकर वे जंगल जाते हैं और वहां वह देखता है कि एक गाय बछड़ा दी है और उस बछड़े को वह देखता का भी तो नवजात है तो क्या बोलेगा। यह एक कहानी है, बातों को समझाने के लिए संत लोग कहानी कहते हैं। बछड़ा तो बोल नहीं सकता है, जैसे आदमी बोलता है वैसे बछड़ा क्या बोलेगा, लेकिन कहानी में यह चलता है उस कि बछड़ा बोलता है। तब भगवान नारद बछड़े से पूछते हैं कि भाई यह बताओ संतों के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। जब इस बात को वह सुनता है उसके भी प्राणानंद हो जाता है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। देखते हैं कोई आदमी तो नहीं मेरे आगे पीछे, कहीं गाय का मालिक तो नहीं है, देखते हैं कोई नहीं है, वहां से भी वह भागता है। तब भगवान नारद कहते हैं वहां भगवान विष्णु के पास पहुंचकर, मैं दो जगह जा चुका हूं, आप तो संजोग से कोई देखा नहीं तो कोई कुछ कहा नहीं है, दो जगह गया हूं लेकिन अभी तक हमारे प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। तब वह कहते हैं कि एक जगह और जाओ, कहां अमुक नगर में एक राजा के यहां एक लड़की का जन्म हुआ है। तब कहते हैं कि वहां लड़की से जाके पूछना कि संतों के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। तब कहते हैं कि भगवान आपने दो जगह मुझे भेजा था और दो जगह जब मैं पूछा हूं तो दोनों जगह जिससे मैं पूछा उसकी मृत्यु हो गई है। अगर मैं राजा के यहाँ गया, वहां तो उनके चौकीदार होते हैं, बिना चौकीदार के सामने ही तो पूछना होगा, कहीं फिर से मर गया तब क्या होगा, तब तो मैं बचूंगा नहीं। तब भगवान विष्णु की बात सुनकर वह जाता है और वहां राजा जब सुनते हैं कि हमारे यहाँ मुनि पधारे हैं, उनका आदर सत्कार राजा जी करते हैं और सिंहासन पर बैठाकर उनसे पूछते हैं कि भगवान बताइए क्या आपकी सेवा करूं। कहते हैं कि राजन आपके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ है, उनके पास मैं जाना चाहता हूं। तब कहते हैं कि भगवान इतनी सी बात है, चलिए मैं आपको लिए चलता हूं। और वह राजा रनिवास में जाता है और वहां एक लड़की जो हुई राजा के यहाँ उनसे पूछते हैं कि बताओ बेटी संतों के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। तब वह मुस्कुराती है और कहती है कि अभी भी बताना शेष है क्या, मैं वही वैश्या हूं नगर वधु, आज देखते हैं कि अमुक जंगल में आप गए थे बछड़ा को पूछे थे और मैं फिर यहाँ राजा के यहाँ जन्म ली, देखे ना मैं कितना नारकीय जीवन जी रही थी और आज राजा के यहाँ जन्म लिया हूँ, उच्चतर धीरे धीरे जीवन का सुधार हुआ कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य है जो आदमी संतों से जुड़ता है उनका जीवन ही बदल जाता है और इसीलिए कहा गया है दर्शन को तो संत है लेने को गुरु नाम। साहब कहते हैं कि अगर आपको दर्शन करने की इच्छा हो तो संतों
का दर्शन करो। संत हमारे जीवन में क्या देते हैं? संत हमारे जीवन में ज्ञान की वह रोशनी प्रदान करते हैं कि जिस रोशनी को पाकर हमारा यह जीवन सुंदर सुखमय बीतता है। आपको भी अनुभव हुआ होगा, जब आपके घर में संत नहीं पधारते थे उस समय का जीवन कैसा था, और किन्हीं घर में संतों का पदार्पण होता है तो वहाँ कितनी खुशहाली हो जाती है, यह सबका अनुभव है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में संतों की महिमा बताया गया है कि संत के आने से बाहर आ जाता है, संत के आने से जीवन में जो अंधकार है वह धीरे धीरे दूर हो जाता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याज। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजे साधु की, अगर आपको संग करना है संतों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो। आदमी का यह जीवन ऐसा है, बिना संग किए हुए नहीं रह सकता। आप परिवार में रहते हैं और हम लोग आश्रम में रहते हैं, आपके परिवार में भी कुछ सदस्य हैं और संतों के आश्रम में भी कुछ सदस्य होते हैं, संतगण रहते हैं। सबका जीवन संग से ही ऊपर उठता है। तो कहने का तात्पर्य है, जब आदमी के जीवन में संतों का संग होता है तो उनका जीवन ही बदल जाता है, और ऐसा अवसर हमें आज मिला हुआ है। संत जन पधारे हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि दर्शन को तो संत हैं, लेने को गुरु नाम। अगर आपको लेना ही है तो गुरु नाम लो। गुरु नाम से तात्पर्य क्या है? हर समय गुरु ज्ञान में अपने मन को लगाए रहो, और जो आदमी गुरु ज्ञान में अपने मन को लगाए रहता है उसे अन्य कामों के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। अन्य कामों से तात्पर्य है, हमारे मन में जो गलत विचार चलते हैं वे विचार नहीं आते हैं। इसीलिए जब कोई साधक संतों से जुड़ता है तो उसे गुरु मंत्र देते हैं, कहते हैं इसी का जाप किया करो, और उस जाप के प्रभाव से हमारा अंतःकरण धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, अगर आपके जीवन में खुशी चाहिए, दुख से छुटकारा चाहिए, आत्मिक शांति चाहिए, मन के विकार से ऊपर उठना चाहते हैं तो गुरु नाम का आधार लेकर अपने जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाएं। तो मैं कह रहा था, दर्शन को तो संत हैं, लेने को गुरु नाम, तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। मैं कह रहा था, अगर हमारे जीवन में संतों का पदार्पण होता है और उनके बताए मार्ग पे चलते हैं तो हमारा यह जीवन सुंदर सुखमय बीतता है। हम लोगों के बीच और संत जन पधारे हैं, उनसे भी सुंदर विचार सुनना है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, नगर वस्ती की जय, सत्संग में आने वाले की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मैं बराबर यहाँ से